आरआरबी रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी परीक्षा 2019 का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। जी हां दोस्तों, आरआरबी ने लाखों अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। 25 अक्टूबर 2019 को जारी होगी परीक्षा तिथि, अभी अभी जारी हुई है अधिसूचना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में आपको 2018 में रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनके 313 सेट्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम डेट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आई है और यहाँ पर बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट जल्द नहीं होगी जारी। या दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है, 27 सितंबर 2019 के लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों इस अपडेट के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। यहां पर साफ साफ बताया गया है, जैसा कि आप देख भी सकते हो कि 25 अक्टूबर 2019 को आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम के लिए डेट अनाउंस कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा होगी वो आज से एक महीने बाद शुरू होगी। जी हां दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि एनटीपीसी एग्जाम नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। उसके साथ ही जो ऑफिशियल आंकड़े जारी हुए जिसके अनुसार आरआरबी एनटीपीसी के 35,000 प्लस पदों के लिए 1,26,00,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किया है। यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्क्रूटनी में समय लग रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, जिसका भी चयन होना बाकी है, जिसके चलते एग्जाम में देरी हो रही है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।